अपकमिंग रेनो काइगर के प्रोडक्शन रेडी टॉप एंड वेरिएंट को एक बार फिर से इसके ऑफिशियल लॉन्च से पहले टेस्टिंग के दौरान स्पाई किया गया था, जिसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अगर आप काइगर और बाकी गाड़ियों से जुड़े कंपेरिजन रिव्यूज और बेस्ट कार्स इन एवरी सेगमेंट जैसी वीडियोज देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर 2021 रेनो काइगर से जुड़ी नई स्पाइड इमेजेस की बात करते हैं। इस स्पाइड इमेज में आप काइगर के टॉप एंड वेरिएंट के फ्रंट क्वार्टर को देख सकते हैं, जहां पर स्पाइड मॉडल में एलईडी हेडलैम्प फिटेड थे। बाकी काइगर में हमें स्प्लिट हेडलैम्प का सेटअप स्टैंडर्ड मिलेगा, जहां पर मेन हेडलैम्प बम्पर में होंगे और उनके ठीक ऊपर एलईडी डीआरएस जो कि टर्न इंडिकेटर्स का भी काम करेंगी। बेसिकली ये हाइब्रिड जैसा ही फ्रंट एंड ऑफर करने वाली है। चलिए अब दूसरी स्पाइड इमेज की बात करते हैं। इस स्पाइड इमेज में आप इस स्पाइड वेरिएंट के साइड क्वार्टर को देख सकते हैं, जहां पर इसको डायमंड कट अलॉय व्हील्स फिटेड थे। काइगर के टॉप एंड वेरिएंट में हमें 16 इंच के डायमंड कट अलॉयज मिलेंगे। बाकी आप इसकी रेक्ड विंडस्क्रीन इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स को भी देख सकते हैं। रेक्ड विंडस्क्रीन होने के कारण इसका रियर एंड एक स्पोर्टी कूपे एसयूवी जैसा लग रहा है, जिसका कारण ये अपने सेगमेंट की बाकी एसयूवी से हटके लगेगी। ये तो होगी काइगर की नई स्पाइड इमेजेस की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। इस एसयूवी में हमें दो पेट्रोल इंजन मिलेंगे, जिनमें से एक होगा 1 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 72 पीएस की पीक पावर और 96 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इस इंजन के साथ हमें 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड एएमटी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिल सकते हैं। और दूसरा इंजन होगा 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 100 पीएस की पीक पावर और 160 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इस इंजन के साथ हमें 5 स्पीड मैनुअल और सीवीटी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे। तो ये तो होगी काइगर के एक्सपेक्टेड इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशंस की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड फीचर्स की भी बात कर लेते हैं। इस एसयूवी में हमें स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप, एलईडी हेडलैम्प्स, डुअल फंक्शन एलईडी डीआरएल्स, एलईडी टेल लाइट्स, 16 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, 8 इंच फ्लोटिंग टच स्क्रीन सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, कनेक्टेड कारटेक, रिमोट कमांड्स, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमेटिक एसी, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, रियर एसी वेंट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एमआईडी एंड क्रूज कंट्रोल्स, रियर वाइपर, वॉशर और डीफॉगर वाले फीचर्स मिल सकते हैं। सेफ्टी में इस एसयूवी में हमें 4 एयरबैग्स, एबीएस, ईबीडी, ईएसपी, हिल स्टार्ट असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, 360 डिग्री पार्किंग कैमरास, रियर पार्किंग सेंसर्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स और हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम वाले सेफ्टी फीचर्स भी मिल सकते हैं। तो ये तो होगी काइगर के एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड प्राइजेस और एक्सपेक्टेड इंडिया लॉन्च की बात करते हैं। रेनो इस एसयूवी को 5 लाख से 9 लाख के बीच प्राइस कर सकती है और इसका एक्सपेक्टेड इंडिया लॉन्च अर्ली 2021 में है। और लॉन्च होने के बाद ये एसयूवी 2021 टाटा एचबीएक्स, निसान मैग्नाइट, किया सोनेट, हुंडई वेन्यू और टाटा नेक्सॉन जैसी एसयूवीज के साथ डायरेक्टली कम्पीट करेगी। और इनडायरेक्टली ये इस प्राइस पॉइंट पर मिड साइज और प्रीमियम हैचबैक्स के साथ भी कम्पीट करेगी। तो ये थी मेरी तरफ से अपकमिंग 2021 रेनो काइगर से जुड़ी एक और अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी ही वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।